देहू रोड परिसरात जनावरांच्या अंडणात विषबाधा झाल्याने अनेक प्राणी मृत पडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या मुक्या प्राण्यांना मारणारा हत्यारा कोण असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय. देहू रोडच्या पारशीचाल परिसरात जनावरांच्या जेवणात कालवले विष, यामध्ये 10 जनावरे तर 5 पक्षी मृत्यू आणि डुक्कर 10 तर 2 रानकोंबडे आणि 3 कावळे मरण पावलेत. या विषबाधेमुळे हातावर पोट असणाऱ्या सूरजभान ढिल्लोड यांचे लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय. विधानसभा निवडणुकीतून या जनावरांच्या अंडणात विष कालवल्याचा आरोप लक्ष्मण ढिल्लोड यांनी केलाय. मात्र राजकीय पटलावरील हेवे दाव्यात या मुक्या प्राण्यांचा बळी गेलाय. याबाबत देहू रोड पोलीस स्टेशनमध्ये ढिल्लोड यांनी तक्रार केली आहे. ज्यांनी हे नीच कृत्य केले त्यांना कडक शासन करण्याची मागणी सुद्धा त्यांनी पोलिसांकडे केली आहे. का सुबह सुबह मुर्गी मैं ही खोलता हूँ तो खोला और जैसे मैं फ्रेश होकर घर से बाहर निकला है कि एक एक करके एक एक मुर्गी गिरती पड़ी दिख रही थी. वो होने के बाद में थोड़ी देर के बाद में देखा कि मेरे जानवर वो भी पड़े हो गए. खुलने के टाइम देखा तो डब्बे के पास गया तो डब्बे में बहुत गंदी बास आ रही, इतनी केमिकल जहर का इतना ज्यादा परिमाण है कि बच्चे लोग पे असर होने का डर लग रहा है. इसके लिए बच्चे लोग को वहाँ जाने दे रहा नहीं मैं. आपके ये टोटल कितने जानवर? टोटल मेरे 10 जानवर है, जो सुअर है और 3-4 मुर्गी है, 3-4 कौवे है, वो भी मरे पड़े हैं सपने. हमारे भाई के मिस्टर शाही मेरे को उठाया सोहेला समय, आने के बाद मेरे को बोला ऐसे ऐसे पूरे जानवर मर गए थे. तो मैं बोला देखता हूँ आके, मैं जैसा फ्रेश होके मैं इधर आके देख रहा तो पूरे जानवर मर गए थे. और इसके अंदर इससे पहले कभी हुआ नहीं था, इससे पहले कभी हुआ नहीं. इसके अंदर राजनीति हो गई है कि किसने किया है ये मुझे मालूम नहीं है. और जो होगा तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा भाई ये बंदे लोगों ने किया है. नहीं मतलब इसके अंदर टोटल कितने जानवर? जानवर कम से कम 10 जानवर, 8-9-10 जानवर है. और 4-5 कौवे मुर्गे है और 4-5 कौवे, 3-4 कौवे. उनके खाने में कुछ मिलाया गया था क्या? उनके खाने के अंदर डब्बा आपको दिखाया गया मैंने, डब्बा आपको बताया जाए डब्बे के अंदर कितनी बेकार बास आ रही है और जानवर के यहाँ तक बास आ रही है. जब देखा मैंने ये दिखा दिया आपको डब्बे के अंदर मिक्स किया हुआ है.